राजस्थान भरतपुर डीग नगर पालिका द्वारा आयोजित श्री जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा मेले के दौरान डीग के राजभवन में रविवार 9 सितंबर साय 4 बजे रंगीन फुहारों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान जलमहल में फुहारों के संचालन के लिए एक हौज को पानी से भरा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक फुहारे चलाने के लिए 7 घंटे में जलदायक विभाग ने सिर्फ 2 फुट पानी टैंक में भरा है। जलदायक विभाग विद्युत विभाग पर लाइट न देने का आरोप लगा रहा है, जबकि इस हौज की पानी भरने की क्षमता कुल 64.770 घन फुट है। इस दौरान थानाधिकारी सतप्रकाश बिश्नोई ने जानकारी देते हुए कहा कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था शिफ्टों में लगाई गई है। जल महलों में फुहारे चलने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही ट्रैफिक पार्किंग की व्यवस्था तरीके से सुचारू रूप से किया जाएगा। जो कि कल शुरू हुआ था डीग में, उसमें अभी जो मेला स्थल है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 शिफ्ट में कुल 35 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें अधिकारी भी शामिल है तथा यातायात पुलिसकर्मी भी शामिल है। इसी दौरान जिस दिन यहाँ पे फुहारा प्रदर्शन होने वाला है जल महल में, उस दिन पृथक से यात्रा थाना स्तर पर वहाँ लगाया जाएगा तथा यातायात को सुचारू करने के लिए। खबर जगत 24 भरतपुर से अजय विद्यार्थी की रिपोर्ट।